वेलकम बैक टू माय चैनल जी फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बता चलेंगे कि बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। आज 3 जून को सुबह सुबह जो पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था होने जा रहा था, टीम बड़े जोर शोर से पहुंची, लेकिन उसके बाद वो प्रैक्टिस सेशन कैरी ऑन ना रह सका। बारिश और शदीद तेज हवाएं चल चुकी थी। अमेरिका में ये मौसम की तब्दीलियां आती जाती रहती हैं। अब हमें देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम वहां पे कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस वक्त टीम थोड़ा सा इंजॉय ज्यादा कर रही है और ये पहला वर्ल्ड कप होने जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये वर्ल्ड कप इतना ज्यादा हाइप क्रिएट ना कर पाए, क्योंकि अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोअर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आज सुबह का सेशन आप जो की फुटेजेस देख रहे हैं, ये स्पेशल फुटेजेस हैं। इस सुबह के सेशन के अंदर मुख्तलिफ हमारे प्लेयर्स हैं जो कि प्रैक्टिस सेशन करने के बजाय टी सेशन, कॉफी सेशन कर रहे हैं। आप देख लें इस वक्त के साइम आपके सामने से गुजर रहे थे, अभी लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं वो भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ फैंस को घेर लेते हैं। ये देखें जो सबको बारी बारी खड़ा करने के बाद कहते हैं कि हमारे साथ फोटो सेशन लें, लोग इंजॉय कर रहे हैं। मौसम तो बहुत ही शदीद है इस वक्त, आप देखें कि आप पीछे आपको हवा से आइडिया हो जाएगा कि सेशन जो है वो इस वक्त नहीं हो पा रहा, और लोग वापस जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो वापस अपनी बसेस में जा रहे हैं और वो बैठने लगे हैं, अपना सामान वगैरह वहां पे रख रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने रिजवान भी हैं जो कि अपना बैग वगैरह रख रहे हैं। इस वक्त सारे के सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं, टीम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो जो साथ साथ हैं, वो सब जो हैं अपने बैग रख रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये देखिए रिजवान को बुलाया उन्होंने कुछ फैंस ने, और फटाफट अपनी पिक्स लेने के लिए उन्होंने रिजवान भाई से रिक्वेस्ट की। उन्होंने रिजवान भाई को ये देखें कहा है, रिजवान भाई ने कहा कि ठीक है इन्हें आने ले दें, हम इनके साथ पिक्स ले लेते हैं। अब ये देखें बारी बारी इन दोनों साहब पिक्स ले रहे हैं, साथ में इनकी फैमिली भी मौजूद है, वो भी आ गई है, और वो सब मिलके एक शानदार किस्म की पिक्चर्स और फोटो सेशन वगैरह ले रहे हैं। जिसमें से आपको पता है कि फेम है खिलाड़ियों का, लोग बहुत पसंद करते हैं क्रिकेट, तो ये वो पाकिस्तानी फैमिलीज होंगी डेफिनेटली जो कि अमेरिका में रिहाइश पजीर होंगी। ये देखें आप हमारे साथ रऊफ आए हैं और उनके बहुत ज़्यादा फैन हैं जो कि मुख्तलिफ शर्ट्स के ऊपर, बैट्स के ऊपर पिक्चर्स ले रहे हैं उनके और महजूज हो रहे हैं। ये देखें फैंस की और जो क्रिकेटर्स की, जो हमारे हीरोज़ हैं, इनकी इनका रिलेशनशिप हमेशा से इसी तरह रहा है। ये देखिए दोबारा हारिस रऊफ को बुलाया फैंस ने कि यार हम भी पिक्चर्स लेना चाहते हैं, और वो हैप्पीली इस सेशन को और पिक्चर्स को इंजॉय भी कर रहे हैं और मेमोराइज भी कर रहे हैं। देखें एक चीज़ नोट करने वाली है बहुत ज़्यादा, कि इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पे एक वर्ल्ड कप का समय है और कोई पब्लिक अगर देखा जाए तो ना होने के बराबर है। जिस तरीके से पहला मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ और जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इससे आइडिया ये लगाया जा रहा है कि शायद ICC इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा पछतावे में हो कि हमने ये वर्ल्ड कप कहाँ पे करवा लिया है। क्योंकि देखें अभी क्रिकेट इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है USA में, हम वेस्ट इंडीज़ में पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में शायद हमें अच्छे फैंस और फॉलोअर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। और इस स्टेडियम के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे पहला मैच हुआ है अमेरिका का, ये स्टेडियम बेसिकली 2022 में बना है, और वो भी अमेरिकन और पाकिस्तानी और इंडियंस कम्युनिटी थी जो कि वहाँ पे रिहाइश पसीर थी, उन्होंने जोर देकर जो है ना कि म्यूनसिपैलिटी को जो कि लोकल होती है उनसे करवा के ये इसकी मंजूरी दी थी इस क्रिकेट स्टेडियम की, जो कि जहाँ पे ये मैचेस वगैरह होने जा रहे हैं। तो आप देखिए एक एक करके जो है हमारे जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो बसेस में बैठ रहे हैं और हम साथ साथ बहुत से तजियात करते रहेंगे। आप देखिए हैप्पी भी लग रहे हैं कि शायद फोटो हमारा वो हो नहीं सका प्रैक्टिस सेशन,
लेकिन अब देखें कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि इन लड़कों को कुछ मेहनत करना पड़ेगी, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये लोग पाकिस्तान वापस आएं और खुशी का समा हो, तो खुशी के समा के लिए इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ आउट क्लास किस्म की क्रिकेट खेलना पड़ेगी, रवायती क्रिकेट से हटकर थोड़ा सा बेहतर अंदाज में खेलना पड़ेगा। थोड़ा सा शशका इनको खत्म करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा अपनी क्रिकेट के ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर, ताकि वहां से ये अच्छा बेटर रिजल्ट भी ले सकें। लेकिन ये हमारे पास मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट में काफी नए चेहरे भी देखने को आए हैं, इनके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है इतना इन चेहरों में। हाँ ठीक है, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रिकेट काफी इन्होंने खेली है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, वो नहीं नजर आ रही। ऑफ फॉर द बेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए